नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में, जहां पे दो छात्रों के गुट आपस में भिड़ंत करने को तैयार हैं। आगे हमसे जुड़े रहिए, आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते रहेंगे। तो ठीक, आप देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने से दो छात्रों, अखिल भारतीय छात्र संगठन और टीएमसीपी के छात्र संगठन, दोनों ही गुट आपस में भिड़ गई हैं और पुलिस प्रशासन जो है बीच में दोनों को अलग करके समझाने की चेष्टा कर रही है। वो कहती है कि आप दोनों दो अलग अलग स्थानों पे चले जाओ कि ताकि किसी भी किस्म का आपस में भिड़ंत ना हो, युद्ध न की स्थिति ना जम जाए, ना हो जाए। और पुलिस के सामने ही दोनों ही आपको बता दें कि दोनों ही छात्र संगठन आपस में भिड़ गए हैं। आपको एक बात बता दें कि बहुत ही शांति ढंग से चल रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाथाहाथी पर उतर गए हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रहे हैं। हाथापाई करने के लिए उतारू है पुलिस प्रशासन के सामने ही, और प्रशासन भी बीच में कमर कस के मुस्तैदी से खड़ी है कि किसी भी किस्म का वाद विवाद ना हो, और दोनों छात्र संगठन को समझाने में लगी है। दोनों ही छात्र संगठन को अलग करने की प्रयास में लगी हुई है। वह चाहती है कि किसी भी किस्म का अप्रिय कोई घटना ना हो जाए। इसके मद्देनज़र वह दोनों छात्र संगठनों को ABBP और TMC के छात्र संगठन को अलग अलग किया जा रहा है। जैसे कि आपको हम बता दें, ABBP ये BJP का छात्र संगठन है और TMC का एक अलग ही छात्र संगठन है। दोनों को बीच में पुलिस प्रशासन अलग करके समझाने की चेष्टा में लगी हुई है। वो बार बार समझा रही है कि आप दोनों अलग अलग स्थानों पर चले जाओ, अलग चले जाओ। जैसे कि हम आपको बता दें कि कहा सुनी दोनों ही गुटों में शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने यह घटना आपको मैं दिखा रहा हूँ। सुबह से ही शांति ढंग से चल रहा था, एक विरोध प्रदर्शन, एक इस तरह का माहौल अचानक से गर्माते हुए दिख रहा है। शांति से अशांति के तरफ में बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं असुरी प्रवृत्ति अब साफ सर चढ़ के बोल रहा है, ये देखने को मिल रहा है माहौल में। तो कहना बहुत ही मुश्किल है, आगे कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स द BBC 24x7 के सौजन्य से। मैं पंकज, आप देख रहे हैं ये हालात। आपको सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से मैं आपको ये दे रहा हूँ अपडेट्स, और नारेबाजी स्लोगनबाजी जो है वो साफ सुनने को मिल रहा है। आप हमारे चैनल के सौजन्य से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बीच में प्रशासन भी मौजूद है, प्रशासन के आला अधिकारी कमर कस के तैयार हैं कि किसी भी किस्म का कोई ना हो। एक तरफ TMCP के छात्र संगठन तैयार हैं, दूसरी तरफ ABBP के अखिल भारतीय छात्र संगठन तैयार हैं, और शांति ढंग से चल रहा था प्रदर्शन। लेकिन अचानक जब दो गुट आमने सामने आ गए तो स्थितियां जो हैं वो साफ देखने को मिल रही है। कॉलेज के गेट के सामने में आप देख पा रहे हैं ये स्थिति, कॉलेज के ठीक गेट के सामने में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कि आपको बता दें कि अखिल भारतीय छात्र प्रदर्शन जो है ये कॉलेज बंद कराना चाहते हैं, ऐसा आरोप है TMCP के माध्यम से। कि और ABBP का जो है वो एक नारेबाजी स्लोगनबाजी जो स्पष्ट दिख रहा है। यह तस्वीर मैं आपको लगातार आपको दिखा रहा हूँ मेरे चैनल के सौजन्य से, और हाय 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 आप सुन पा रहे हैं कि हाय 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 शुरू हो चुका है। एक दूसरे के तरफ में उंगली करके नारेबाजी किया जा रहा है, एक दूजे को छोटा दिखाने की चेष्टा की जा रही है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने का ये स्थिति है। मामला को गंभीर देखते हुए सिलीगुड़ी थाने का आला अधिकारी, सिलीगुड़ी के जो IC हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं परिस्थिति को संभालने के लिए। आपको दिखा रहे हैं साफ साफ ये तस्वीरें वो TMC के
छात्र संगठन को अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस पे टीएमसी के छात्र संगठन का कुछ इशारा साफ देखने को मिल रहा है। अब वो दूसरे तरफ में एबीवी के भी छात्र संगठन को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन करती भी है वही काम कि वो कभी नहीं चाहती है कि किसी भी किस्म का कोई भी विवाद आगे बढ़े। वो बीच बचाव करके दोनों ही छात्र संगठनों को अलग अलग कर रही है। एक तरफ टीएमसी के भी छात्र संगठन को अलग कर रही है। कॉलेज के गेट को एकदम साफ करना चाहती है। उनका कहना यह है कि कॉलेज के गेट के सामने में कोई नहीं रहेगा। लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है और उसमें आपको बता दें मौसम का भी कहर कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। तेज धूप, गर्मी इतनी ज़बरदस्त, उस गर्मी में ये नीचे की क्रोध रूपी गर्मी का आग साफ दिख रहा है। एक इधर क्रोध रूपी आग की गर्मी, दूसरी तरफ ऊपर सूर्य भगवान की आग की गर्मी, ये दोनों ही आग के बीच में सब हम लोग तप रहे हैं। और परिस्थितियां जो है स्टूडेंट भी अब देख पा रहे हैं, कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप साफ मेरे कैमरे के सौजन्य से देख पा रहे हैं। और आपको बता दें एबीवीपी के छात्रों को पुलिस प्रशासन समझाते हुए उनको अलग लेके जा रही है दूसरे छोर में। पहले टीएमसी को समझाई, अब एबीवी को समझा करके अलग लेके जा रही है और वो कह रही है कि आप अलग जाके बैठो कि किसी भी किस्म का दोनों गुट आपस में ना भिर जाए। आपको विरोध करने का, अपने बात रखने का अधिकार है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, लेकिन इस तरीका से भी आप एक दूजे का सर फोड़ दो, मुँह तोड़ दो, ये भी नहीं होना चाहिए। सब कोई मिलजुल करके आपस में अपने अपने पॉइंट्स को रखें, अपने अपने विचारों को रखें और धरना प्रदर्शन जारी रखें। कानूनन तरीके से कानून को हाथ में लिए बगैर आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सिलीगुड़ी आईसी जो हैं वो सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी आकर के उनको समझाने में कहीं ना कहीं सफल रहे। दोनों ही गुटों को अलग कर दिया गया है और दोनों छात्र संगठन के तरफ से फिर भी वो दो अलग हो जाने के बावजूद भी नारेबाजी चल रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की चेष्टा हो रही है। और ये सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने गेट के सामने से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। आपको जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, हॉरिबल हॉट, एक बहुत ही दर्दनाक भयानक गर्मी, और उस गर्मी के बीच में छात्र संगठनों का ये क्रोध की गर्मी, दो तरफ से आग, एक मौसम का आग और दूसरे तरफ ये छात्रों की आग साफ दिख रहा है। और दोनों ही तरफ की स्थितियां आपको हमने दिखाया बताया, प्रशासन भी मौजूद।